तो आज के हम लोग गेम प्ले स्टार्ट करें उससे पहले एक बार फिर से फेल गेम फैमिली को एक बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आप लोग मेरी इस सीरीज को भी बहुत प्यार दिखा रहे हो। तो बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो। और जिन भी मेरे भाइयों ने इसका लास्ट दो एपिसोड्स मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, दोनों ही एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उन दोनों को पहले देख लेना इसको देखने से पहले। और जिन्होंने वो दोनों एपिसोड्स देख लिए मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि क्या चल रहा है। तो लास्ट एपिसोड में सैम नेट के पास वापस आ गया और उसने बताया कि वो जिंदा था और 15 सालों से जेल के अंदर था, लेकिन जेल से भागने में सैम की मदद जिसने की है वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है जिसका नाम है हेक्टर अल्काज़ार। और ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसने सैम को धमकी दी है कि अगर तुम 3 महीने के अंदर 400 मिलियन डॉलर्स का खजाना ढूंढ कर नहीं लाते हो तो फिर वो सैम को जान से मार देंगे। और इसीलिए सैम नेट के पास आया और अब दोनों मिलकर फिर से पायरेट हेनरी का खजाना ढूंढने निकले हैं। और उस खजाने का पता चल सकता है सेंट डिसमस के क्रॉस से। और आप लोग को याद है कि फर्स्ट एपिसोड में भी एक क्रॉस मिला था लेकिन वो खाली था, पर अब ये जो क्रॉस मिला है ना वो खाली नहीं है। और इसी सेंट डिसमस के क्रॉस के अंदर शायद उस पायरेट ने किसी तरह का नक्शा या फिर क्लू छोड़ा होगा खजाने को लेकर, और इसलिए सैम और नेट इस क्रॉस को चोरी करने के लिए ब्लैक ऑक्शन साइट पे आए हैं। ओ भाई साहब, एक मिनट के अंदर समझा दिया, अब चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अरे फर्स्ट एपिसोड के बाद यार अभी रस्सी फंसाने का ऑप्शन आया। अब लटक के, ओहो ये बताते नहीं है कि किधर जाना है, खुद से अंदाजा लगा लो भाई वरना मरोगे। देख के समझना है कि जाना किधर है। It's your turn. अच्छा सॉरी, मैं बताना भूल गया कि इस चोरी में सैम और नेट की मदद नेट के एक पुराने पार्टनर विक्टर सलिवन कर रहे हैं, जो आई थिंक अनचार्टेड के पुराने पार्ट्स में आए होंगे। नीचे ही जाने का दिख रहा है। Okay, so where to next? हाँ वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, जाना कहाँ है? फिलहाल यहाँ से उछल के तो नहीं जा सकते हैं। Hey, we can swing off that beam up there. Definitely. बीम पे स्विंग कर सकते हैं लेकिन रस्सी अच्छा सैम के पास है। सैम थोड़ा जल्दी आ जाओ, मुझे ही दे दो रस्सी, मैं कर लूंगा भाई। Hey, let's switch places. All right, climb over me. I've got a good grip. Okay. मैं उस साइड जाता, इससे अच्छा रस्सी मुझे दे देते सैम, ऐसा नहीं लगता ये ज्यादा आसान होता? लेकिन सैम को मुझे लगता है जलवा दिखाना है। ठीक है सैम, तुम ही करो, मैं देखता हूँ भाई। Go for it, Sam. Okay. Here we go. First try. All right. No one likes a show off. देख लिया ना, सैम को जलवे दिखाने थे अपने। Okay. Come on, Nathan. It looks like you can climb down and make your way over. Right behind you. रस्सी काफी दूर है इसलिए मुझे नीचे से होके जाना होगा, क्योंकि इतना मेहनत करके हम लोग खजाने के लिए अंदर तो जा रहे हैं लेकिन अंदर खजाना नहीं है, अंदर मिलेगा क्रॉस जिसके अंदर शायद शायद खजाने का नक्शा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे बस सैम को फॉलो करते रहना है। ठीक है सैम, ओह पेड़ पे भी लटक गया भाई। मेरी आधी नजरें अपने गेम पे और आधी नजरें सैम की गेम पर है कि वो क्या कर रहा है। यहां से मैं झूल जाऊंगा ना? अच्छा ये झूलने का भी ऑप्शन है, वहां तक कूदेगा भाई? कुछ ज्यादा ही नहीं कूद गया। स्पैनिश गार्ड्स तो क्या लग रहा था आप लोगों को, इतनी आसानी से चोरी करके निकल जाएंगे? असॉल्ट राइफल्स है उन लोग के पास और अपने पास कोई गन तो मुझे नजर नहीं आ रही है। बहुत गोलियां चलने वाली इस मिशन में, लिख के ले लो। ओके वी गुड। जीसस, डिड यू सी हिम? दैट रेना थग वाज पैकिंग सम सीरियस हीट। Should have brought guns. Sam, we're gonna pull this off so smoothly, we won't need them. I hope you're right. Gun ki zarurat nahi hai Nate ko. All those years. It's the little things that you missed the most. Achha, Sam se baat karne ka option aa raha hai. Theek hai, baat karte hain. Like the smell of fresh citrus. Ye Sam mere samne se gayab hua tha, bhai. Riding the motorcycle. It's little things, but. तो भाई जैसा हमने सेकंड एपिसोड में देखा था कि सैम बेचारा 15 साल से जेल के अंदर था तो बहुत सारी चीजें उसने मिस की, फूलों की महक, बाइक चलाना और पता नहीं क्या क्या मिस किया। इसे क्या, इसको तोड़ना नहीं है, मुझे नीचे जाना है। ठीक है, बस अब उम्मीद करना है कि वहां तक मैं पहुंच जाऊं। रुको रुको, अभी नहीं, थोड़ा सा और मोमेंटम लेके आता हूँ भाई पीछे से, इस बार ही कूद जाऊंगा आई थिंक। पहुंचना तो चाहिए, पहुंचा। हाँ पता नहीं चलता भाई पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। यहाँ रुकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सैम जब तक नहीं आ जाता तब तक रस्सी नहीं आएगी। सैम जल्दी आ जाओ। सैम नीचे चला गया। अरे नहीं, बच गया यार। तो सैम ये पूछ रहा है कि अब तक तुमने जो भी ढूंढा उसकी पिक्चर ली है या नहीं ली है? I wish. Elena filmed some of it, but camera didn't make it. That's too bad. I have some drawings, though. When we get back, I'll show you. You have drawings?
What are they up on the fridge or something? No, they're good drawings. I can't wait. तो नेट ने अनचार्टेड 1, 2 और 3 में बहुत कुछ ढूंढा है। तो सैम भाई पूछ रहा था कि उन सब की फोटोज तुमने ली है या नहीं ली है। तो नेट ने यही बताया कि नहीं भाई, फोटोज तो नहीं ली है, लेकिन उस जगहों की ना ड्राइंग्स बना के रखी है। तो सैम भाई हंस के बोल रहा था कि हाँ चलो ठीक है, ड्राइंग्स ही देख लूंगा भाई, फोटो देखता तो ज्यादा अच्छा लगता। तो इसके पहले पार्ट्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने खेला नहीं। ऐसे आप लोग कॉमेंट करके बताना, ये खत्म करने के बाद हम लोग पुराने पार्ट्स खेलेंगे या नहीं। ऐसे अभी इसमें तो बहुत मजा आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे काम करने मिल रहे हैं भाई जो अभी तक मैंने दूसरे किसी गेम प्ले में नहीं किया है। मतलब ये एक अलग ही इंटरेस्टिंग टाइप का गेम है, प्लस इसमें मैप नहीं देता है, बताते नहीं है कि जाना किधर है, तो ये अपने आप में एक मिस्ट्री है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। सैम को फॉलो नहीं करना, सैम मुझे फॉलो कर रहा है, जैसे मैं कितना एक्सपर्ट हूँ भाई। This looks promising. I think you mean precarious. टाइम के हिसाब से ये खतरनाक है भाई, अभी तक जितना भी कुछ किया ना, कुछ भी आसान नहीं था, सब खतरनाक ही था। ओ भाई ये ऐसा ना मेरे स्कूल में था पता है, इसको मंकी स्विंग बोलते थे भाई हम लोग। Yeah, I'm good. वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग के स्कूल में ऐसा आई थिंक होगा ही, या फिर पार्क में तो देखा ही होगा, मंकी बाज या फिर मंकी स्विंग बोलते थे इसको। यहाँ के मंकी बाज और मेरे स्कूल के मंकी बाज में डिफरेंस एक छोटा ही सा था, वहां पे नीचे सैंड था और यहाँ पे नीचे मौत है। बस इतना ही सा तो डिफरेंस है भाई। नहीं अब यहाँ से आगे जाने का मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सैम का वेट करना होगा क्योंकि रस्सी भी सैमी के पास है। It'd suck if you missed right now. It sure would. But I don't miss. ओ भाई फुल कॉन्फिडेंस, सैम को कभी मिस नहीं करता है, चलो अच्छी बात है। सैम चढ़ जाएंगे, उसके बाद मेरी बारी। क्या लपक के चढ़ा है यार सैम। ये मिशन स्टेल्थ वाला मिशन हुआ ना तो बहुत दिमाग खराब होने वाला है, लेकिन मजा भी बहुत आएगा। मुझे भी सैम की तरह ऊपर ही जाना है ना। अच्छा L1 को होल्ड करने से हो जाता है, सैम क्या चले गए, मेरी आदत छूट गई सारी। अच्छा पिछले एपिसोड में इसी फ्लोर से सिग्नल दिया था विक्टर ने कि यहाँ पे आना है। Thanks. Nathan? What? अच्छा सूट में आना है। अंदर ऑक्शन चल रहा है ना, ये लोग भी अमीर आदमी लगने चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है ये लोग हिटमैन वाला कांड कर रहे हैं, खिड़की से होके जा रहे हैं सूट पहन के। Okay. You're right. How do I look? Like 400 million bucks. Let's go. All right, I'm right behind you. Sam लग रहा है 400 million dollars जैसा, यानी कि खजाने जितना अच्छा लग रहा है Sam. Sully? चलिए मिलते हैं Victor Sullivan से. Know what I love about partying with a bunch of crooks? What's that? Nobody cares if you're smoking doors. It's been a while. Too long, boy. ये Victor Sullivan Uncharted 1, 2, 3 में आए थे. Remember my dead brother, right? Victor? I'll be goddamned. 15 years. Yep. Good to see you alive, Sam. Let's try keeping him alive by getting this cross, huh? Yeah, about that. Lo. What about that? Come on, let me show you something. अब ये मत बोलना क्रॉस यहाँ पे नहीं है, ये ब्लैक मार्केट ऑक्शन चल रहा है, सारे क्रिमिनल्स तो यहाँ पहुंचे हुए हैं। Take a look. क्रॉस यहीं पे है। That's Avery's cross. They brought it out of storage just before you guys got here. They changed the lot order. Take a whole pile of cash to make that happen. Right, well, how long before they start the bidding? 10, 15 minutes tops. Well, there's got to be some way we can grab it. There is just a small matter of a few hundred eyewitnesses down there. Okay, but we just need a diversion. Mike? I don't know. But there's got to be something. Well, if the guards see us make it for that cross... But they don't see us. Jesus, you guys act like you never spend time in prison. If you want something dirty done, then you wait for lights out. Yeah. Where's that electrical panel for this place? Power cut करके cross सबके सामने से चोरी करना होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, अंधेरा रहेगा। Ventilation. Electrical. That's it up here. So we just have to climb up there and kill the lights. Grab the cross in the dark. There will be an emergency generator. And that'll give us a few seconds of darkness to work with. Meaning we'll have to be right next to the cross when the lights go out. So there's no way we can get that close without being noticed. Scusate, signore. Antipasti? Mosè. Hi. How are you? Ciao. Would you focus? The waiter wouldn't get noticed. That could work. That will work.
All right. I'll get to the breaker room. Kill the power. You mean I'm the waiter? You're the best pickpocket. You head down to the floor. Keep your eye on the prize, okay? Let us know if anything hinky goes down. Roger that. All right. Listen, we still got this. Ready? Ready. All right. Follow me. We'll cut through the cellar. तो नेट पावर कट करेगा और सैम वेटर का कपड़ा पहन के चोरी करेगा. Thanks. I'll chuck it up to you. Excuse me. You kidding me? Hell no. लेकिन उसके लिए सैम को वेटर का कपड़ा चाहिए. देख रहे हो ना, सैम और नेट पूरे हिटमैन बनते जा रहे हैं. मतलब अब वेटर का गेटअप भी करने वाला है सैम और क्रॉस के नजदीक रहेगा ताकि जैसे ही पावर कट हो तो वो चोरी कर ले. चोरी करने में एक्सपर्ट है सैम, तो चलो ठीक है. लेकिन सबसे पहले तो अपने को वेटर का कपड़ा चाहिए. अच्छा, इसलिए ये लोग किचन जा रहे हैं ताकि वेटर को लुढ़का के भाई उसका कपड़ा चोरी कर सके और सैम पहन लेगा वेटर का कपड़ा. और मेरे को जाना होगा ब्रेकर रूम पावर कट करने के लिए. और विक्टर सलिवन का काम है कि यहाँ पे रह के नजर रखना. हाँ, मतलब आगे आगे बढ़ो, मैं भी आ ही रहा हूँ. ये फुल ब्लैक मार्केट ऑक्शन चल रहा है. जितने लोग देख रहे हो ना, ज्यादातर सभी लोग क्रिमिनल हैं, यानी चोर के घर में चोरी फिर हेरा फेरी. लेकिन एक बात क्लियर है भाई, अगर गार्ड्स ने देख लिया ना चोरी करते हुए, छलनी छलनी कर देंगे. मतलब ये जितने अच्छे लोग दिख रहे हैं ना सूट बूट में, भाई बहुत जूते मारेंगे. किचन का रास्ता विक्टर उधर कहाँ? ये मतलब विक्टर, मुझे लगा वो किचन टेबल के अंदर कब से होने लगा. सैम भी पहुंच गए, पता नहीं किस बेचारे वेटर की वाट लगने वाली है. दरवाजा इतनी आसानी से खुल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता. लॉक है. कोई खोल रहा है. दरवाजा खुलने की आवाज आई. वेटर, उसके पास कार्ड है हाथ में. अब उससे चोरी करनी पड़ी. कितनी चोरी करेंगे भाई ये लोग. अच्छा, इस पार्ट का नाम ही है भाई थीफ सेंड, तो चोरी करेंगे और क्या करेंगे. I think I can handle a simple lift. All right. उसके बैक पॉकेट से मुझे कार्ड निकालना है, लेकिन कैसे? इससे पहले चोरी नहीं की है भाई. Okay, L2 दबा के इसके पॉकेट पे मुझे लाइट को रखना है, यानी कॉन्सेंट्रेट करना है उसके पॉकेट पे. Real smooth. I'm not even trying yet. Yeah, I can tell. हाँ, नहीं नहीं, इस बार ही उठा लेगा भाई. ये डोलना कम करना, रुके रहना एक जगह पे. बस बस हो ही गया है. बस अब निकाल सकता हूँ. कितना भाई शरीफ वाला मुंह बना. भाई साहब नेट टोपी कर लो भाई, शराफत देखी नेट की. ओ भाई, नेट को घमंड भी आ गया. क्या मेरे पर शक कर रहा था मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा. इंटरकॉम्स ताकि तीनों बात कर सके आपस में. विक्टर को यहाँ पे रह के नजर रखनी है. कोई भी गड़बड़ हुई विक्टर को एकदम फटाक से इन्फॉर्म कर देना है. और मुझे लग रहा है कि 110% बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है. ये विक्टर ही की तरफ दिखा रहा है. क्या गड़बड़ हो सकती है? कोई पुराने गेम से विलेन आ सकता है जिसके बारे में अपने को नहीं पता. ये लड़की, Hands in the air. ये कौन है? Hi, Victor. Hello, Nadine. Pleasure to see you again. Only this time, I've got the drop on you. Well, I guess I should be glad that's not a real gun. Hardly recognize you out of your fatigues. Yeah, you know how it is. Every once in a while, a job requires us to get all dolled up. Looking sharp, by the way. Not too bad yourself. You're so out of place here. Can't tell you what a relief it is to run into another English speaker, even if you are American. I'll have to blame my parents for that one. I was on my way to the bar. Can I get you something? Yeah, scotch. On the rocks. Be right back. इस लड़की को विक्टर पहले से जानता है, लेकिन ये लड़की है कौन भाई? Nate? You catch all that? Nate जानता है क्या इसको? Yes, I did. Sounds like a lady's trying to buy you a drink. Yeah, Nadine Ross is buying me a drink. Nadine Ross? Wait, doesn't she own that army for hire? Oh, भाई. It's called Coastline? Shoreline. Yeah. Right. But you had a run-in with them. It's putting it mildly.
Fortunately, she does not seem to be holding a grudge. I'm good to go here. All right. Listen, we're all set, Sully. You, stay out of trouble, okay? I'll try. Ready? Yeah, let's do it. तो नेडीन रॉस पैसे लेके आर्मी सप्लाई करती है। Find where the waiters and caterers are hanging out. Lure one out of the kitchen, probably. Then let's go find the kitchen. नेडीन पक्का पूरी आर्मी लेके आई होगी भाई यहाँ पे। There's enough food down here to feed a small town. यहाँ पे अभी अपना सबसे पहला काम पता है क्या है? वेटर को ढूंढना ताकि सैम उसका कपड़ा पहन सके और उसको लुढ़काना होगा। रुकने क्यों बोल रहा है? किसी की आवाज आ रही है। ओहो, कोई है। वेटर, झांक के देखना होगा। ढूंढ रहे थे वेटर्स को, गार्ड्स मिल गए। क्रैप, यू सी वेटर इन देयर? नाह, जस्ट मोर हेवीली आर्म्ड गून्स। बहुत सारे गुंडे भरे हो भाई, और सबके पास हथियार है। एक गन लेते आनी चाहिए थी, नहीं? पर नेट ने बोला कि गन की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही आराम से काम करेंगे ये लोग। ब्लूप्रिंट में सामने वाला गेट नहीं था। ये लगता अभी नया नया ऐड किया है। लॉक्ड, ऑफ कोर्स। Okay, plan B. मुझे भी खोलने का ऑप्शन दे रहा है। मैं भी ट्राई करूं क्या? लॉक ही है। I told you it's locked. Trust but verify. And it's locked. Right. वेरीफाई करके भी देख लिया, लॉक है। अब आगे कैसे जाएं? ये क्या है? अच्छा, इसको हटा के जा सकते हैं क्या? There you go. सब में वाइंस भरी हुई है, अलग-अलग टाइप की। See some fence up there. वेंट्स खोजना है यहाँ पे। एक डोर तो खोलने का ऑप्शन दे रहा है। सैम, पहले, ओ, मुझे पहले। पक्का कुछ कांड होने वाला है, इसीलिए मुझे पहले भेजा। अंधेरा काफी है। Here we go. Let there be light. हो गई रोशनी और फिर से चली गई। लाइटर है। I guess it's always a good idea to bring a smoker along. Unless you need to run. Man, I'm starting to get a little drunk off the fumes in here. Well, good thing Sully's driving. Sam और Nate आपस में मस्ती करते रहते हैं। Sam बोल रहा है कि ये अल्कोहल की महक सुन के ऐसा लग रहा है कि उसने पी ली है। तो Nate ने बोला कि अच्छा चलो, ये अच्छी बात है कि Victor गाड़ी चला रहा है, तुम नहीं। Dead end. Maybe the vent access is behind these casks. अब पीछे जाके फिर से रास्ता ढूंढना होगा भाई, साथ साथ आ जा। That's a lot of really rare vintage. Maybe Alcazar can just settle for some good wine. Something tells me that's not gonna fly. Nate बोलता है कि Alcazar को एक काम करो, ये सब पुरानी वाइंस दे दो, वो बेच के पैसे कमा लेगा। लेकिन Hector Alcazar भाई साहब को 400 मिलियन डॉलर्स का खजाना चाहिए। Hey, she'll be worried that Victor is chatting up Nadine Ross. Heard some pretty scary stories about her crew. Yeah, don't worry about Sully. I can talk his way out of anything. नेडीन रॉस का क्रू बहुत ही खतरनाक है। सैम ने भी कहानी सुन रखी है, यानी कि अब देखते हैं उसका अगर क्रू यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया तब बहुत गोलियां चलेंगी। This way. सैम, थोड़ा जल्दी भाई, रास्ता नहीं दिख रहा है। वेंट्स खोज रहे हम लोग जिससे यहाँ से निकल सके। कोई वेंट दिखा क्या? अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। Hey, look, the vents. That's our way out. अच्छा, वेंट दिख गया, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे? इसको खींचा, हाँ, खींचने का ऑप्शन दिया है। Yeah, I got it. No need to give me a hand or anything. नेट बोल रहा है हर बार मैं ही खींच रहा हूँ भाई, कभी तो मदद कर दिया कर इसको खींचने में। लेकिन सैम भाई साहब लाइटर पकड़े हुए हैं। चलो ठीक है, लाइटर पकड़े रहो, मैं चलता हूँ ऊपर। ये वेंट्स देख के ना, इतने बड़े बड़े वेंट्स, स्पाइडरमैन मुझे याद आ रहा है। धूल भी भरा हुआ इसके अंदर। वेटर्स दिख गए, किनको लुढ़काना है? ऐसे ये गुंडे लोग वेंट्स बनवाते क्यों हैं? ताकि मतलब हीरोज लोग आराम से घूम सके वेंट्स के अंदर और उन्हीं की वाट लगा सके। यहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा तब तो वेटर के पास जाएंगे और उसके बाद उसके कपड़े छीनने हैं ताकि सैम उसके कपड़े पहन सके। बंद है। अच्छा, सैम को मिल गया रास्ता। ओके, यहां बैठा हुआ है। यू दोनों एक दूसरे को चुप क्यों करवा रहे? अच्छा, गार्ड से लगता है या फिर वेटर से, पता नहीं, जो भी है, कोई है।
क्रिकेट देख रहा है क्या बैठ के वो लोग? हम पता नहीं, आईपीएल सीजन है भाई, कुछ भी हो सकता है। गार्ड्स लोग पूरा आराम से घूम रहे हैं, वाट लग सकती है अगर किसी ने देख लिया तो। जाने का वेट करो, ताजी ताजी हवाएं, दोनों बाहर आ रहे हैं फाइनली। किचन का रास्ता मिला या नहीं मिला अभी तक? बहुत ही आसानी से ये लोग नहीं जा रहे हैं। Hey, check this out. See that building with the radio tower? You mean the cell tower? What? Whatever. Listen, that's the power room. Yeah, you're right. Let's see how we get past this gate. Sam jail में था ना 15 साल से, इसलिए उसको भाई mobile tower के बारे में पता ही नहीं है। वो radio tower समझ रहा है उसको। तो वहाँ जाना अपने को। पीछे एक ladder तो दिख रहा है भाई। Sam, up here. I'll boost you up. All right. Good thing you kept in shape. First episode में जैसे ये लोग starting में नहीं जा रहे थे, वैसे ही अभी दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, मस्त लग रहा है। सैम नेट की जोड़ी ओपी भाई, मस्त भाई है दोनों को ही। Sully, we just got out of the wine cellar, heading to the power room now. How's it looking? Sully, you there? Victor लगता है पकड़ा गया है। It must be a bad spot for a signal. Hopefully he's doing okay. Bingo. Found the kitchen. And of course it's locked. दरवाजा लॉक्ड है किचन का। Sam, look. Maybe we can use that, find a window, drop into the kitchen. That's a good idea. I'll boost you up and you take care of the ladder. अच्छा, इस बार मुझे यहाँ से जाना है। इस बार मुझे लैडर नीचे करना है। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा भाई, स्टोरी मोड है ये। Got it. आ जाओ भाई। कोई आया? It's up. ये देख लेगा। नेट ऊपर लटका है, ये पक्का देख लिया। Buonasera. Ma che sta facendo? Chalo, kapda mil gaya hai. Easy on the civilian, Sam. What? So he wakes up with a headache in his underwear. We've both been there before, right? Right. Well, I got mine. You get yours. To Sam ne apna kaam kar diya hai, waiter ka kapda chura kar. Okay, let's get to the power room. Ab Nate ko leke jana hai power room taraf. Cell tower dikhaya tha na, udhar hi jana hai. पर किधर दिखाया था मुझे याद नहीं है। Sam, you good? Yeah, these pants are just a little bit too tight. Yeah, well, that's the style these days. Really? Oh, when in Rome. Nah, because we're in Italy. I get it. All right, I'm gonna head back to the ballroom. Sam की आवाज कट रही है। Sam, you there? हाँ, लो आवाज गई। Sam? Sully? Right. सारे connections टूट गए हैं, ना ही Sam से बात कर सकते हैं और Sully तो कोई जवाब दे रहे नहीं है भाई। तो एक काम करते हैं, अपना ही रास्ता फॉलो करते जाते हैं, जो कि पता नहीं ये सही है या गलत है। बस उम्मीद कर रहा हूं भाई कि सही हो, क्योंकि गलत होगा तो कोई बताने वाला है नहीं। टाइम वाइम है नहीं इस मिशन में, फिलहाल तो टाइम नहीं दिया है, तो अपना टाइम लेके हम लोग आराम से कर सकते हैं। आई होप मैं सही जा रहा हूं। लग तो रहा है भाई, ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहा हूं, आगे ही दिखाया था रास्ता। अरे हाँ, उधर ही तो है। ओहो, अब दिखा भी दिया है। L3? गाइस, इफ यू कैन हियर मी, Just about at the power room. Should be there soon. Ish. हम मतलब पहुंच ही जाएंगे उछल कूद के किसी तरह। वहां तक जा सकते हैं? थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ इसमें लेना पड़ता है, भरोसा रखना है नेट पकड़ लेगा। बहुत बार ऐसा लगेगा कि नहीं पकड़ पाएगा, और इसी चक्कर में कभी ना कभी ऐसा होगा, कांड होगा मेरे साथ, मैं गिरूंगा नीचे। लगेगा कि पकड़ लेगा, लेकिन अरे सामने वो तो पकड़ ही लेना चाहिए, नहीं कूद जाएगा आराम से। अब मुझे विश्वास हो गया, नेट कहीं भी कूद सकता है, स्पाइडरमैन तो अपना नेट ही है। अरे पकड़ ले, पकड़ लिया। लेकिन नीचे गया। ओ भाई, विक्टर तो हंस खेल रहा है। I can't believe you got away with that. Oh, we did not. No, we had our liberty taken away for a month. And what about the horse? Fortunately, we had a lot of carrots on. विक्टर यहाँ लड़की को इम्प्रेस कर रहा, बेचारा नेट नीचे चला गया है, और ये सैम वेटर बन के इंतजार कर रहा है। Recognize someone? No. I thought I did, but no. When am I finally going to meet that partner of yours? Drake? Well, that's ex-partner. Mm. Yeah, I've been flying solo for a while now. Drake's out. Oh, like dead out? Oh, no, more like retired. Mm. Last I heard, he settled down, got married. Mm. Well, then he might as well be dead, right? Riff, ye kahan se aage? Oh, bhai, cross ke liye bhi aaya. Victor Sullivan. How the hell are you? Riff. How long has it been? 10 years? 12? 15. It's amazing.
All these years gone by, here we are, we're still haggling over dead people's junk. Really? Aren't you running your parents' business? My business, now. But yes, that is my day job. Oh, that is one hell of a day job. You could probably afford to buy up everything on the block tonight. Well, sure. But what would be the point in that? And these days, I'm only looking for the good stuff. Big scores. Any advice on what I should pick up tonight? Yeah, I think I want to bid against him. But, just between you and me, I did notice they changed the order. I think somebody might be trying to rig this auction. Well, remember where we are. This crowd didn't get rich by playing fair. Which is why you really need someone watching your back in a place like this. Oh, bhai. Nadine Ross is Rafe ke liye kaam kar rahi hai. Puri army leke aaya hoga yaar ye to. Well, I do hate to break it to you. You are working for an American. We've partnered up on this one. Partner hai dono. See. Talk about a power couple. In a few moments, we'll begin bidding on our next item, an inlaid wooden crucifix from the Trott Estate. Well, I know when I'm a third wheel. You two kids have fun tonight. Just hold on, Sully. How'd you find out about it? Rafe ko shak ho gaya. It? What it is that, Rafe? Nadine, I think your partner here has had too many Bloody Marys. Cut the bullshit, old man. Now, I don't know how you scammed your way in here, but if you think about bidding on Avery's cross, I can tell you exactly how you're going to be leaving in a goddamn Rafe. Fight. Dhamki bhi de diye ki agar cross pe bidding bhi kiya na, to mar jaoge. Aur isko pata hi nahi ki chori karne wale hai cross. You get my point. Haan, point samajh mein aa gaya, lekin chori hone wali hai bhai. Lovely seeing you both. Rafe yaad hai na, isi ki wajah se first episode mein prison mein sara kaand hua tha. Nate niche ja chuka hai. Damn it, kid, where the hell are you? Ab wait karte Nate ka aane ka. नेट बच ही गया होगा भाई, मरेगा थोड़ी. तो रेफ वही पागल है जिसने प्रिजन गार्ड को मार दिया था, और उसी की वजह से एक तरह से सैम 15 साल से जेल में था. प्रिजन गार्ड ने सिर्फ 25% शेयर मांगा था खजाने में से, यानी $100 million. तो 25% शेयर के लिए जब रेफ ने यार प्रिजन गार्ड को मार दिया, तो अब जब उसको पता चलेगा कि पूरा क्रॉस ही चोरी करने वाले नेट और सैम, तो सोच लो वो क्या करेगा. प्लस उसके पास अब एक पूरी आर्मी भी है नाडिन रॉस की. मुझे बस ये देखना है कि जब क्रॉस चोरी हो जाएगा तो उसका मुंह कैसा बना रहेगा. God, why did I pick the power room? सही बात है. नेक्स्ट टाइम भाई वेटर वाला जॉब चुनना. पावर रूम के चक्कर में देख रहे हो कहां कहां लटका हुआ बेचारा, और वो सैम आराम से वेटर के कपड़ा पहन के घूम रहा है. अच्छा, सैम को भी तो पहचानता है रेफ. ओ भाई, वो वेटर बन के वहीं घूम रहा है, लेकिन आई थिंक पहचानेगा नहीं, क्योंकि रेफ को भी लग रहा है ना कि सैम मर चुका है. सबने देखा था सैम को मरते हुए, तो पता नहीं पहचान लेगा तो अलग ही कांड होने वाला है वहां पे. दो साइड है, इधर ही से चला जाए क्या? जाना तो ऊपर ही है. और विक्टर पे भी उसको शक हो गया है, विक्टर को पहले से जानता था रेफ. ये अनचार्टेड 1, 2, 3 में बहुत कुछ हुआ है जो अपने को आइडिया नहीं है. मैंने यार इससे पहले अनचार्टेड के कोई गेम नहीं खेले थे, ये वाला गेम से पहले. मुझे लगता है पुराने वाले गेम्स भी बहुत अच्छे होंगे अनचार्टेड के, तो आई थिंक खेल सकते हैं हम लोग. ऐसे आप लोग कॉमेंट करके बताना. ऊपर ही एक खिड़की खुली हुई है कि बंद है? सही जा रहा हूं मैं? इतने इतने तार नजर आ रहे. हाँ, पावर रूम में आ चुके हैं हम लोग. सिक्योरिटी गार्ड्स है नीचे है भाई, ताला लगा रहा है गेट पे, गेट लॉक कर दिया है. स्पेनिश में बात कर रहे हैं, सब टाइटल भी नहीं है. ऐसे सब टाइटल भी हो तो कुछ समझ में नहीं आता. हाँ ठीक है, आई हेट यू टू. फोन बजने, मैं अपना फोन देखने लगा था, पता है ये सेम ही रिंगटोन मेरा है. बताओ, मेरा और बदमाश सिक्योरिटी गार्ड का रिंगटोन सेम है. ड्यूटी देते टाइम फोन पे बात नहीं करना चाहिए, और वो फोन लेके बाहर चला गया. ऐसे यहाँ पर भी बात कर लेता, कौन देख रहा था उसको, या फिर वो गेट बंद करके गया. जो भी, स्पेनिश में पता नहीं किसने उसको फोन किया भाई, लेकिन अपने लिए अच्छा काम हुआ है कि वो बाहर चला गया. मुझे नीचे जाना है, पावर ब्रेक करना है, सैम चोरी करेगा, और रेफ क्या करेगा पता नहीं, लेकिन ये दरवाजा तो लॉक होगा 110%. Here we go. Now, where the hell are the circuit breakers? ये बंद होगा, ट्राई करके कोई फायदा नहीं, फिर भी चलो ट्राई कर ही लेते हैं. Ah, crap. Sam, Sully, you there? God damn it, kid, where the hell have you been? I made it. Had a few close calls, but... Yeah, well, if you're gonna cut the power, now would be a good time. Well, I'm gonna need a minute before I can reach the panel. We don't
Don't have a minute. Rafe's about to walk out of here with your cross. Wait, what? Rafe? Rafe is here? Yes, Rafe is here. And as of right now, he has the highest bid. Well, I'll bid him. With what? I don't have that kind of scratch. Sully, we're stealing it, remember? What if he calls my bluff? He won't. We have 90,000. Do I hear any more bids? Guys, if we do not get this cross, I am as good as dead. Yeah. Well, I end up with the highest bid, we're all dead. Sully, I need you to buy me more time. Since we have no other bids. Trust me. Going once. Going twice. Screw it. Nakli boli laga raha hai Victor. Khareedna to hai nahi. Thank you. Do we have any other bids? Sirf time waste karwana hai. We now have 110,000 euros in the room. For a penny and for a pound. Don't worry. You'll be out of there in no time. Victor cross ke liye jhooti boli lagate rahega. Apne ko jaldi se power break karna hai. Okay. Just gotta smash the lock. What? Nope. Lock todne ke liye koi saman chahiye. Ye to same box lag raha hai. Ye kuch alag hai. Your bid, signore, takes us all the way to 150,000 euros. Boli badhe ja rahi hai. Gotta be something. Come on. Hey man, start to sweat bullets here. Yeah, give me a sec. Itne bade room mein ek bhi hathiyar nahi hai. Yes. चलो फाइनली कुछ तो मिला, इसे टूटेगा? अरे बढ़ ही जा रहा है यार। रेफ को ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है, बस पावर ब्रेक करने का वेट है। पावर ब्रेक करूंगा, सैम चोरी कर लेगा। All right, boys, I'm at the switch. You ready? As I'll ever be, Victor. Just a sec. The gentleman's bid, 210,000 euros. 500,000. Let's get the show on the road here. Thank you. We have 500,000 euros in the room. Does the gentleman wish to bid again? Victor jeetne dega. Taki shak is pe nahi jaye cross chori hone ke baad. Lag hi raha tha. Had me worried there for a minute, Victor. Thought I might have to kill you. Sab hans rahe hain, lekin ye seriously bol raha tha. Let's ruin this asshole's evening. Anyone else? We are going once. Going twice? Then I shall sell it for 500,000. Chori. Ladies and gentlemen, please remain calm. The backup power will come on short. Power aane se ab kya hoga? Ab to chori ho gayi. It's gone. Victor bhi bhag liya. Move it. Get out of the way. Stop him. Hey, stop that guy. Fermo. What are you doing? You're letting him get away. You speak Spanish. बोला ना सारे क्रिमिनल है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबकी चेकिंग होगी, रेफ की भी, लेकिन रेफ समझ गया है कि विक्टर ने पार किया है भाई। Sam, tell me you got the cross. Guys, St. Dismas right here. You wanna say hi? Yeah, we really kicked the hornet's nest down here. Ballroom's locked down, security scrambling. Hey, Victor, where's our getaway? Come to the driveway out front. Just follow the spotlights. I'll bring the car around. सिक्योरिटी चारों तरफ फैल गई, बस स्पॉटलाइट को देखते हुए उसको फॉलो करते रहना है। विक्टर गाड़ी लेने गए, अपने को पार्किंग एरिया में जाना होगा जो कि सबसे नीचे था, स्टार्टिंग में नहीं देखा था हमने। लो एक, ओहो ये भी स्टार्ट हो गया है, ये बता भी रहे व्हाइट मीटर यानी कि डेंजर स्पॉट होने वाला है, और येल्लो अगर हो गया तो क्या, देख लिया यानी कि नहीं इन्वेस्टिगेट करेगा येल्लो होने के बाद, तो सामने से हट जाना, ये बताने की जरूरत नहीं थी, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड था कि सामने से हटना है। मशीन गन के अंदर लाइट लगी हुई और उससे चेक कर रहे हैं, जहां मैं दिखा छलनी छलनी कर देंगे। स्पॉटलाइट तो मुझे उधर ही दिख रहा है, लेकिन सीधा सीधा नहीं जा सकते हैं। ये देखो शक भी हो गया, कोई गन नहीं है, किसी भी तरह का हथियार नहीं है, पीछे से जाके स्टेल्थ अटैक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देता है इसमें, अरे देता है देता है। ये पुल डाउन, यार ये सारे हिटमैन और असैसिन क्रीड को मिक्स कर दिया है क्या अनचार्टेड में, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि प्रिंस ऑफ पर्शिया में करता था, तो यानी कि ये हिटमैन प्रिंस ऑफ पर्शिया असैसिन क्रीड सबका मिक्स है, इसीलिए इतना बेस्ट लग रहा है भाई खेलने में। अनेक तरह के गेम है ये, और फुल आजादी दे रखी है मिशन करने की कि किस टाइप से मुझे जाना है, किधर से छुप के जाना है, मार भी सकता हूँ या बच बच के छुप के भी जा सकता हूँ। बहुत सारे गार्ड्स है यार यहाँ पे, प्लस रेफ तो भड़क ही चुका है और नैडिन रोज उसी के साथ काम करी है, पार्टनर है उसकी, और क्योंकि अब रेफ गुस्से में होगा तो नैडिन रोज भी ऑब्वियसली गुस्से में होंगी, और उनके पास पूरी एक मिलिट्री है, वेट करते हैं। और रेफ तो पागल है ही, तो भाई नेट और सैम के साथ अभी कांड होने वाला है, बोलो तो मैं कहीं लिख के दे देता हूँ। ये लाइट हटाए तब तो मैं जाऊं उधर, अरे हटा भाई उधर ही जाना है मुझे।
अब जा सकता हूँ, बहुत आगे दिखा रहा है लाइट, थोड़ा सा देख भी लिया तो क्या हो गया, मैं छुप जाऊंगा। चलो रिस्क ले लेते हैं। जैसे ही मैं कूद रहा था उसी टाइम लाइट दिखाता है, क्या बदतमीज आदमी है यार। Okay, maybe we should have brought guns. आखिरकार थैंक यू नेट, फाइनली इस बारे में बात की भाई कि गन लेते आनी चाहिए थी। और नेट ने क्या बोला था कि इतना स्मूथली काम करेंगे गन की जरूरत नहीं होगी। अब नेट को एहसास हुआ इस खिड़की से कूद के उधर से इधर जा सकते हैं, पर उधर भी गार्ड से, हर जगह तो गार्ड से, तो फर्क नहीं पड़ता है किधर से भी जाएं, कोई ना कोई मिलेगा ही। दिया ही इसीलिए ये मिशन कि गार्ड से आपको छुप छुप के अपना दिमाग लगा के कांड करना है। बंदूक एक मिल जाती ना आराम हो जाता, इतना टेंशन नहीं रहता। अभी क्या है कि वन साइडेड फाइट है, अगर उन दोनों ने देख लिया भून देंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ छुपने के अलावा। तो अभी इसमें छुपने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। सामने रहूं यानी फेस टू फेस रहूं तो शायद मुक्के वुक्के मार सकता हूं, लेकिन जब तक दूर हूं भाई तो गोली ही पड़ेगी। स्पॉटलाइट तो इधर ही दिखा रहा है, स्पॉटलाइट को फॉलो करने बोला है विक्टर ने। क्लाइम एंड गेट अ गुड वेंटेज पॉइंट, ऊपर चढ़ के अच्छा वेंटेज पॉइंट चाहिए। ओ टॉल ग्रास, छुप सकते हैं। असैसिन क्रीड, हिटमैन, सब मिक्स है भाई इस गेम में। सैपियामो कोसा फारे, रेस्टा कंसेंट्रेटो, डक्कॉर्डो। तू मरा भाई, बताओ इतना हेवी स्टेल्थ, फर्स्ट आस्क क्वेश्चन लेटर, मार दो पहले उसके बाद बाद में सवाल पूछना कि भाई किया क्या था इसने। यही हिसाब है, तू भी गया भाई, गन भी मिल गई। अरे हाँ अभी ना मजा आएगा भिड़ू। On my way, heading to higher ground to get my bearings. All right, see you soon. Yeah. थोड़ा ऊपर जाना है, सीढ़ी तो दिख ही रही है, मैं कहाँ कूदने फांदने के चक्कर में था। ओ भर भर की गाड़ियां आ रही है, ओ भाई साहब सिक्योरिटी गार्ड से पक्का, ये इतना तेज गाड़ियां कौन चला रहा है। भर भर के आदमी लोग आ रहे हैं, फुल इंतजाम हो रखा है यहाँ पे, चोर को जाने थोड़ी देंगे ये क्रिमिनल लोग की भाई ऑक्शन साइट थी, यहाँ से इतनी आसानी से चोरी करके जाने देंगे। सब उधर देखते हो जा रहे, मैं लाइट की तरफ क्यों जा रहा हूँ, स्पॉटलाइट को फॉलो करना है, स्पॉटलाइट में रहना नहीं है। जाने कहाँ भाई, चढ़ते जा रहे हैं लेकिन सही जा रहे हैं। L3 का ऑप्शन दिया है। There's the ballroom. Driveway is right in front. Ballroom के सामने ये ड्राइववे होगा, तो वहीं जाना है अपने को। अब यहाँ से चढ़ ओ खिड़की तो मिल गई, चलो सही है, सन्नाटा है यहाँ से। Everything's fine. No one got a good look at me. Just gonna play cool. Stroll right on out of here. हाँ क्यों नहीं, नेट को किसी ने देखा नहीं, आराम से निकल जाएगा। Excuse me. ये मिल गई। You're not supposed to be back here. बहुत ही हंसते हुए सवाल पूछ रही है। Well, neither are you. But I'll tell you what. I won't tell anyone if you don't. You have something I want, and you're going to give it to me. इसको पता है। Really? Well, I'm flattered, but I'm afraid I'm spoken for. ओ भाई। अरे! कूट दिया भाई। I'm not in the mood for games. Give me the crucifix. Lady. You're lucky I'm a gentleman. सैंडल भी उतार दिया। If I weren't, I would... यार ये तो पीटे ही जा रही है। It won't. All right, fine. Just remember, I didn't want to do this. Let's see. लड़ना है? चलो ठीक है। भाई बैक डाउन नहीं करेगा? अरे रे 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 भाई साहब, ये तो एक डॉज बस कर दिया और कुछ नहीं ऑप्शन है। पंचेस मार रहा हूँ, ये बचाए जा रही है, कोई फायदा नहीं, इसमें मार ही खाना है लगता है। हाँ भाई पीट दिया लड़की ने दम तक, बहुत बेइज्जती हुई भाई की। अच्छा मांडवली करते हैं भाई, बार्गेन करते हैं इससे, ठीक है बात करते हैं। Astrolabe back home, slightly used. I'll give it to you for a fair price. I have a better idea. नेट मस्ती कर रहा था, अभी और मारेगी यार। पीटे ही जा रही, टेबल भी तोड़ दिया। और बेइज्जती होने वाली है भाई। Look, I'm still a little jet lagged. How about we just call it even? ड्रॉ करवाना चाह रहा नेट, ये ड्रॉ नहीं भाई, वन साइडेड फाइट है, मारे जा रही है मुझे। बहुत मारा। Have you had enough? Or do you want to keep being a smart ass? देखो बदमाश लोग कभी सुधरते नहीं, इसलिए मैं बदमाशी वाला ऑप्शन लेता हूँ। Well, you know, being a smart ass has gotten me this far in life. Why quit now? All right, wait, wait. It's in my back pocket. झूठ बोल रहा है क्योंकि सैम के पास है।
Where is it? मारने का ऑप्शन है बुक से. भाई किसी तरह बच गया यार. अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं पिटते हुए. चलो ये तो अच्छा ही हुआ कि खैर की भाग लेते हैं यहाँ से. Just met your friend Nadine Ross. She's lovely. Yeah, well, it's total chaos out here. They're trying to keep it contained, but everybody's freaking out. I don't want to rush you, but hurry the hell up. Nathan, where you at? Good question. You? By the ballroom. Look for this round sign thing. It's on the way. Round sign thing. Check. Good news is I got a gun. See you soon. देखिए सैम के पास गन आ गई है. अपने को यहाँ से निकलना है. विक्टर गाड़ी लेके इंतजार कर रहे. विक्टर की ये दोस्त थी नैडीन रॉस. मारा है भाई लड़की ने. मत पूछो हालत खराब कर दी नेट की. भाई होश है ना नेट को. भाई आगे के काम कर लेना और किसी को बताना मत. नीचे गार्ड्स घूम रहे हैं यार. ये अगर सोचो बॉस फाइट रहती नैडीन रॉस के साथ, वो तो फुल हेल्थ के साथ हर बार जीत जाती. अच्छा वो बॉस फाइट नहीं थी. सही जा रहे हम लोग. स्पॉटलाइट को तो फॉलो कर रहे हैं. ये भी टूटने वाला है. सब कुछ तो टूट जा रहा है. इसी के पास बुलाया था. वो देख लिया गार्ड्स ने. गोली चलने लगी लेकिन सैम भी आ चुका है. भाई मस्त कैच किया यार. चलो ठीक है इन दोनों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता हूँ. सैम उधर से गोली चला यार. हाँ ठीक है. मतलब किसी तरह जिंदा है मार-वार खा के. I can't get to you from here. You got a way down? Yeah, yeah, I think so. Okay. I'll meet you at the driveway. Just head towards the ballroom. All right, see you there. Ballroom के पास जाना है और वहाँ से फिर driveway में इंतजार कर रहा होगा विक्टर गाड़ी लेके. यही प्लान है. भाई देखो गार्ड्स भर भर के मिल जाए कोई बात नहीं. ऐसे ही पड़े हुए रहेंगे लेकिन नैडीन रॉस ना मिले. Victor, kind of stuck here. Any ideas? Figlio di puttana. The fastest way is through the ballroom. You said the ballroom's locked down. Yeah, well now that they know it's you guys, they cleared the place out. That ballroom it is. You get that, Nathan? Yeah, got it. तो अब सबको पता चल गया है कि सैम और नेट चोरी कर रहे हैं, इसलिए बॉलरूम को खाली कर दिया है और उसको सील कर दिया है. लेकिन जाना अपने को बॉलरूम से ही है. एक और गार्ड मुझे उस साइड दिख रहा है. उसको भी स्टेल्थ अटैक से मार सकते हैं. पीछे ही घूम के जा रहा है वो. अरे देखा थोड़ा सा. वो तो अच्छा है देखते के साथ तुरंत पता नहीं चल जाता है. बेवकूफ गार्ड्स जब तक है भाई अपने स्टेल्थ मिशन चलते रहेगा. देखो दो और आए. ये मतलब ये लोग सोच क्या रहे कि बिल्ली देखा क्या यहाँ पे. एक आदमी जो कि घूम रहा है सबको मारते चल रहा है, तो तुम लोग क्या लग रहा है कि क्या देखा होगा. आदमी ना देखा होगा. और जब भी ना जोड़ी में किसी को ढूंढने जाओ तो बटो मत. देखो अभी इन दोनों के साथ क्या होने वाला है. अपने लिए नुकसान. वो जा रहा है. अरे वापस आ. घास के पास आना वरना उधर वाला देख लेगा. वो भी लाइट जला रहा है. हाँ ये देखो ये अच्छा आदमी है भाई. अपनी मौत की तरफ खुद जा रहा है. सबको सन्नाटे में लपेट लिया. लेकिन उधर बहुत सारे आदमी हैं. अब वहां जाएंगे तो कोई ना कोई देख लेगा. वहां घास भी नहीं है. देखो अब गन मिली गई है तो यूज कर ही लिया जाए. ठीक है ना. तीन चार स्टेल्थ अटैक कर दिए. ऐसे आप लोग कॉमेंट करके बताना कि ज्यादा स्टेल्थ मिशन हम लोग करें या फिर अटैकिंग मिशन ज्यादा करें या फिर मिक्स जैसे अभी चल रहा है. अब गोली चलेगी भाई. कोई एक आदमी दिखे. अरे 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 ये तो खुद सामने आ रहा है. लेकिन ये अंधेरे की वजह से ना दिक्कत होगी. मेरे मुंह पे बस लाइट मत मारना. ये बेचारा सन्नाटे में आ रहा है. मौका दिया तेरे को भाई. उड़ के फेंकाया है. बहुत ही सड़ी बंदूक है ये जो देख रहे हो ना. लाइट्स बार बार के देखने नहीं दे रहे मुझे. उनको साफ दिख रहा है मुझे नहीं दिख रहा है. ये लाइट मार के अपनी लोकेशन रिवील कर रहे हैं लेकिन लाइट ना डिस्ट्रैक्ट कर रही है मुझे. सिर्फ मुझे लाइट ही दिख रहा है. उसका थोपड़ा नहीं दिख रहा है. अरे उठ. और भी लोग हैं ये देखो. मरने के लिए आ गया. ओहो हो भाई साहब इतनी हिम्मत तेरी. भाई गैंग्स ऑफ वसीपुर बना रहा था ये तो. बताओ यार एक यूजी मिल गई मुझे. अब तो ये लोग चलनी चलनी है. देखना इधर देखना एक बार. कवर लेके मारेगा. हट. कब तक छुप के बैठा रहेगा. एक और पार्टनर किधर है इसका. इसने लाइट जला के अलग दिमाग खराब कर रखा था. ले गोली खा. चलो और कोई नहीं है ना.
ओ गोली चलने की आवाज आ रही है, कहाँ है? उस साइड से गोली चले, ये उस साइड से चल रही है, मेरे पीछे से चल रही है यार, ये मेरे पीछे था। गाड़ियां की भी आवाज आ रही है। ओके ये विक्टर गाड़ी लेके आ रहा है कि और आदमी लोग आ रहे हैं? आई थिंक और आदमी लोग आ रहे हैं भाई। बॉल रूम जाना है अपने को, जहां स्टार्टिंग में नहीं थे और सैम ने जहां से चोरी की है वहीं जाना है। स्पॉटलाइट फॉलो करते रहना है, और कोई ऑप्शन है भी नहीं, कोई इंटरकॉम पे अपने को रास्ता भी नहीं बता रहा है। सही जा रहा हूं ना मैं? आई होप सही जा रहा हूं। नीचे वो उधर ही जाना है ना, उस साइड, ठीक है। गाड़ी की आवाज आ रही मुझे हल्की हल्की, नीचे उतरने का है, नीचे ही जाना है। नीचे कुछ फ्लोर व्लोर है ना? हाँ चलो यहां से तो उतर गए। ओके ऑलमोस्ट टू द बॉल रूम। ऊपर से होते हुए बॉल रूम जा सकते हैं, लेकिन ऊपर आ रहे सैम को मदद चाहिए बॉल रूम में। गार्ड्स ने घेर लिया है सैम को, गोलियां चल रही है उसके ऊपर। इस तार से होते हुए जा सकते हैं। अच्छा इसको ऊपर लगाना है, ठीक है ठीक है। बस और कोई गार्ड्स नहीं आए, आ गए जैसे मैंने बोला। बस ये फाइनल गार्ड्स, इनको ठिकाने लगा कि बॉल रूम पहुंच जाएंगे हम लोग। स्टेल्थ या फिर गोली, एक काम करते गोली बचाते, ये लोग तो आ ही रहे हैं घास की तरफ मरने के लिए। आ जाओ भाई आ जाओ, पीछे वाले से स्टार्ट करेंगे, वरना इसको मारूंगा तो वो पीछे वाला देख लेगा। अच्छा दोनों को थोपड़ा एक ही जैसा दिख रहा है, जुड़वा भाई हो क्या दोनों? इधर देखना, एक और गार्ड की आवाज शायद मुझे ऊपर से आई। हाँ ऊपर है एक और, उसका मीटर बन रहा था। ठीक है ऐसे भी जाना ऊपर ही है, अगर वो देख भी लेगा मेरे पास गोली है ही। जा भाई जा, आगे जा, तेरा भी काम होने ही वाला है। इनके अलावा कोई नहीं है, जाना इधर ही है वापस। तार दिखा था ना, उससे आई थिंक हो सकता है जा सकते हैं, उम्मीद तो। हाँ ऑप्शन दे ही रहा है, चलो ठीक है। चिंगारी निकल रही है गन से। नेट जैसे ही खुश होता है वैसे ही उसके साथ कांड हो जाता है यार। खुश मत हो अगर भाई तू। बॉल रूम पहुंच गए और यहाँ के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। पिन डाउन कर रखा है सबको, मारना ही होगा आगे बढ़ने के लिए। जाना अपने को बाहर है, लेकिन जब तक ये लोग को मार नहीं देते बाहर जाने देंगे नहीं ये लोग। सैम थोड़ी मदद की जरूरत है, प्रिजन में याद है ना कैसे सबको ठिकाने लगाया था। बस और इस बार तो गन भी अच्छी अच्छी है, इसके पास शॉटगन है। ओ भाई साहब इसकी गन तो छीननी पड़ेगी, आजा। पर इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही सट के मारना होगा। शॉटगन पड़ी वो भी मुंह पे, इससे बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन ये गन चेंज करनी पड़ेगी मुझे, लॉन्ग रेंज गन नहीं है। सैम भाई कवर लेके सबको मारना है। सैम खुलेआम क्यों दौड़े जा रहे हैं? सैम मर गया तो मिशन फेल ही हो जाएगा। और हेल्थ इसमें दिखा रही नहीं है कि हेल्थ कितनी है क्या है कुछ पता नहीं है। बस जैसे ही ये वाइट स्क्रीन होने लगे ना समझ लो कि मरने का टाइम हो गया है, तो थोड़ा रुक के हेल्थ रिकवर कर लो। ज्यादा होगी नहीं लेकिन थोड़ी सी से हम लोग काम चला लेंगे। और आदमी लोग आ रहे हैं क्या? फिलहाल तो सन्नाटा लग रहा है, दो ही तीन आदमी। ओके और आदमी लोग आ गए, वाह। निकला जाए यहां से भाई। अरे ऊपर नहीं चलना है, नीचे नीचे नीचे। सैम निकलते, ये लोग को तेल लेने दो। अरे हट, एक और यहां छुप के बैठा है। सैम आ जा भाई, भाई कल्टी होते हैं यहां से। भाई जब तक ये आएंगे ना विक्टर तब तक अपना टाटा हो जाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड आदमी मुझे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, कोई लिमिट नहीं है। आए जा रहे हैं, मैं मारे जा रहा हूं, आए जा रहे हैं। सैम तो गोली चला रहा है ना भाई, सच्ची सच्ची बताना, ये फुल ऑफ डाउट है सैम के ऊपर। विक्टर मेरे को कहीं नहीं दिख रहे हैं, विक्टर गाड़ी लेने गए थे या प्लेन लेने गए? इनको मार दूंगा उसके बाद विक्टर आएंगे, चलो ठीक है यही उम्मीद करके चलते हैं। भाई तीन ही चार आदमी,
अभी तीन थे, अभी चार हो गए, बढ़े ही जा रहे हैं। अरे दो और आ गए यार, कितने आदमी लोग बढ़े जा रहे हैं हर दो सेकंड पे। आई थिंक आगे ही जाना होगा, यहाँ पे खड़े रहूंगा ना, आदमी लोग आते ही रहेंगे। चलो यहाँ से निकला जाए। ओ गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी का दरवाजा भी खुला हुआ है, मतलब यहाँ पे टाइम पास भी कर सकते हैं जो कि आदमी आते रहेंगे, या भाग सकते हैं। बॉम्ब निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो, ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं निकलना। विक्टर भाई गाड़ी भागा, मतलब और कोई ऑप्शन भी नहीं है, भगा लो भाई गाड़ी। यहाँ पे खड़ा रहता ना 200-300 आदमी को मार देता भाई, और आदमी लोग खत्म नहीं होते क्योंकि अनलिमिटेड आदमी थे यहाँ पे, और आ ही रहे थे। ये देखो गाड़ी लगी हुई है सब। तो आखिरकार सेंट डिसमस के क्रॉस मिल ही गया, और ये इसके अंदर ही मैप या फिर कोई क्लू है खजाने को लेकर। कुछ नहीं है क्या? It's empty. अरे oh, you're such an asshole. Your brother. मजाक कर रहा था। All right, skull and crossbones. Very good sign. David's insignia. Pirate का साइन बना हुआ है। What is this? Hodie mecum eris in paradiso. Today you will join me in paradise. It's what Jesus said to Saint Dismas on the cross. Right. What about these numbers here? What do you make of this? It's some kind of code or a phone number. Come on. The dates. Look, 1659. It's the year Avery was born. 1699. Let me guess. The year he died. Well, by most accounts, yeah, but it means we have date of birth, date of death, and paradise. ये क्लू है खजाने का। We're looking for Avery's grave. St. Dismas's Cathedral. Wait a second. Hasn't Rafe been scouring that site for ages already? Yeah, the cathedral. See these symbols? Yeah. These are found on old Scottish gravestones. Right. Right? Now, look at this. The layout of this place is really unusual. Here's the cathedral. But the graveyard is way over here. अरे पैसे ही पैसे होंगे भाई। Rafe's been focusing on the wrong area. Exactly. Guys, we're going to Scotland. Wait up. You do realize that Rafe knows you're coming? Yeah, we can deal with that when we get there. Look, that psycho would like nothing better than for you to show up. Plus, he's got Nadine and a whole army to back him up. Yeah, but he doesn't have this. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. I thought this was about saving Sam. It is. But come on, it's both, right? We need the treasure so we can save Sam. How is Elena cool with all this? Jesus, kid. Look, it's just not that simple. With all that you two have been through together. She wouldn't understand this. You are not giving her enough credit. I can't take that chance. Nathan, he's right. Things have changed. Rafe's involved now, and I can take this on my own, really. Great. Well, thank you for your input, both of you. Excuse me. नेट को मना कर रहे हैं आने साथ में क्योंकि खतरा है। Hey, it's me. Yeah. Now the reception's lousy. Something on your mind, dear? Look, I realize it couldn't have been easy. All those years away. And I'm sorry for what happened to you. But it's not his fault. I never said that it was. It took a long time for him to get out of this game. You see a gun to his head? He chose this. Okay, he's meant for this life. You really believe that? Why are you here, Victor? Victor नहीं चाहते कि नेट वापस ये काम करे। Because somebody's got to keep an eye out for him. No, I'll just see you in a few more weeks. Yeah. I will. Okay. I love you too. अपनी वाइफ एलिना को कुछ भी नहीं बताया नेट ने कि वो क्या कर रहा है। Just told her that the job was going to take a little longer than expected, which is the truth. Right? So come on, what do you say? Sam could still use our help. Well, I do hear that the weather is particularly fine in Scotland this time of year.
ठीक है, तीनों जा रहे भाई खजाने की तलाश में। और इसी के साथ आज के एपिसोड हम लोग खत्म करते हैं और इसको कंटिन्यू करूंगा भाई मैं नेक्स्ट टाइम। और जाने से पहले वीडियो लाइक कर लेना और खजाने की तलाश अब नेक्स्ट एपिसोड से शुरू होगी। और टेक केयर, बाय बाय, सेफ रहो, अच्छे से रहो, बाय बाय।